नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं आपको लॉगरिथमिक टेस्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में दो तीन बार मैंने देखा है अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और मैंने सोचा कि मैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज स्टार्ट कराने से पहले ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आएगा इसके जैसा, तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके साथ साथ मैंने आपको इससे पहले सारे के सारे टेस्ट कराए हैं जो कि पॉजिटिव सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें है आपका कॉशीज एनथ रूट टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, गॉस टेस्ट, कुमर्स टेस्ट, बर्ट्रन टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट एटसेट्रा। ये सभी के सभी टेस्ट जो भी थे वो सबके सब मैं कवर करा चुकी हूं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, जो कि कहता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 to the power एन एक्स एन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, जहां पर हमारे पास में x जो है वो एक वेरिएबल है और x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। हमारे पास में जो सीरीज दे रखी है वो ये दे रखी है n इज इक्वल टू 1 to infinity n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 to the power n x n, यू एन जो हो गया वो हमारा हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 to the power n x n, और यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां पर n है वहां वहां पर n प्लस 1, n प्लस 2 होल टू दी पावर n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1। तो अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस 1, तो ये आएगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 to the power एन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस 2 to the power एन प्लस 1। अब ये ऊपर चला गया तो ये आ गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 to the power एन इंटू एन प्लस 2 to the power एन प्लस 1 एन प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू और सॉरी ये x टू दी पावर n था यहां पर, और यहां पर ये x टू दी पावर n प्लस 1 था। इधर इसको ये लिख लेती हूं और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1। तो ये हो गया हमारा n प्लस 1 to the power n इंटू x टू दी पावर n इंटू n प्लस 2 to the power n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n फैक्टोरियल x टू दी पावर n इंटू x, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कैंसिल, ये हमारा बच गया n प्लस 2 to the power n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये n है और यहां पर ये पावर 1 है
तो n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय इन वन बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय वन बाय एक्स, तो ये हो गया हमारा n प्लस टू टू द पावर n प्लस वन होल टू द पावर n प्लस वन इंटू वन बाय एक्स, यानी कि ये हो चुका है वन प्लस एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन इंटू वन बाय एक्स, तो ये हो गया वन प्लस वन बाय एन प्लस वन इंटू वन बाय एक्स। अब लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन विच इज इक्वल इंटू वन बाय एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर जो पावर है वो एन प्लस वन एन प्लस वन वन प्लस एन प्लस वन होल टू द पावर वन बाय एन प्लस वन और वन बाय एक्स कॉमन आ गया। ये हमने रिजल्ट कर रखा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन बाय एन होल टू द पावर एन जो है वो ई होता है, तो ये क्या आ गया हमारा वन बाय एक्स इंटू ई। यहां पर ये क्या है, एज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन बाय एन होल टू द पावर एन जो है वो ई है। अब यहां पर क्या है, ये एन प्लस वन है, एक ही टर्म तो ज्यादा है, इसमें आप कुछ भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऐड कर देते हो तो वो हमारे पास में ई की तरफ ही टेंड होगा, क्योंकि अगर एन जो है वो ई को जा रहा है तो एन प्लस वन भी तो है वो भी तो ई को जाएगा ना। तो यहां पर ये लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन जो है वो ई को टेंड हो रहा है, तो ये क्या हो गया वन बाय एक्स इंटू ई दैट इज इक्वल टू ई बाय एक्स। तो हमारे पास में देयरफॉर बाय डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट सिंस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल, तो हमारे पास में डी एलेम्बर्ट्स रेशियो क्या कहता है, अगर एल ग्रेटर देन वन है तो हमारे पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी और अगर एल लेस देन वन है तो सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। तो हमारे पास में एल जो है वो ई बाय एक्स आ रहा है, देयरफॉर सीरीज कन्वर्जेस इफ ई बाय एक्स ग्रेटर देन वन दैट इज ई ग्रेटर देन एक्स एंड डाइवर्जेस if e by x less than 1 that is e less than x। अब हमारे पास में अगर x e हो गया तो now for x is equal to e l is equal to 1, तो हमें पता है कि D'Alembert's ratio test for l is equal to 1 fail हो जाता है, therefore result fails। अब यहां पर D'Alembert's ratio fail हो चुका है, अब हम जो लॉगरिथमिक टेस्ट हमने अभी पढ़ा था इससे पिछले वीडियो में वो हम लगाएंगे। अब हमारे पास में यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस वन जो है वो आ गया वन प्लस एन वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू वन ई, ये आ गया हमारे पास में क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो हमने ई सब्स्टिट्यूट कर दी। कंसिडर ये जो एक्सप्रेशन है हमारा जो लॉगरिथमिक टेस्ट का वो हम कंसिडर करते हैं, एन लॉग वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन इंटू वन बाय ई,
log of this whole expression है, तो हम log of a into b apply करते हैं, तो ये हो गया हमारा log a plus log b. log a b हमारा क्या होता है, log a plus log b. ये हो चुका है हमारा log 1 plus n plus 1 to the power n plus 1 minus log e. यहां पर हमारे पास में log 1 by e था, तो ये log 1 by e जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, log e to the power minus 1, यानी कि minus log e. अब हमारे पास में n log 1 plus 1 divided by n plus 1 whole to the power n plus 1 minus log e जो होता है वो हमारा 1 होता है, तो ये 1 हो गया हमारा. इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, n log, ये हमारा कुछ और नहीं n plus 2 divided by n plus 1 whole to the power n plus 1 minus 1 है. तो ये हो गया हमारे पास में log n plus 1 हमारा बाहर आ गया. इसको next step में लिखती हूँ, n times n plus 1 log n plus 2 minus log n plus 1 minus 1 close bracket. ये हो गया हमारे पास में n times n plus 1, यहां पर मैं क्या करती हूँ n को बाहर ले लेती हूँ, तो ये हो गया मेरा n times 1 plus 2 by n minus log n times 1 plus 1 by n minus 1. तो ये हो गया n times n plus 1, यहां पर भी log a into log b का formula लगाएंगे हम, तो ये हो गया log a into log b is equal to log of a into b में हम formula लगाएंगे. log a into b जो है वो हमारा हो जाएगा log a plus log b. यहां पर ये दोनों product में है तो वो addition में आ जाएंगे, log n plus log 1 plus 2 by n minus log n minus log 1 plus 1 by n, ये वाला bracket close minus 1. यहां से log n cancel. अब हमारे पास में बच जाएगा n plus 1 log 1 plus 2 by n minus log 1 plus 1 by n minus 1. ये हो गया यहां पर हमारा स्टेप कंप्लीट. अब हम क्या करेंगे, हम log का एक्सपेंशन यूज करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन. हमारे पास में log of 1 plus x जो होता है वो होता है x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x 4 by 4 plus and so on. बस हम इसी में ही ये वाला expansion apply करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा n times n plus 1 2 by n minus 1 by 2 2 by n whole square plus 1 by 3 2 by n whole cube minus and so on minus, ये वाला bracket close नहीं करते हैं, minus 1 by n minus 1 by 2 n square plus 1 by 3 n cube minus and so on minus 1 whole bracket close is equal to n, n plus 1,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय एन, ये 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 बाय एन स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 एन क्यूब माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 बाय एन, ये सारे माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करा देते हैं, माइनस 1 बाय एन प्लस 1 बाय 2 एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 एन क्यूब प्लस एंड सो ऑन माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा एन टाइम्स एन प्लस 1, 2 बाय एन माइनस 1 बाय एन हो गया हमारा 1 बाय एन माइनस 2 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 एन स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3 बाय 2 एन स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 एन क्यूब माइनस एंड सो ऑन, दिस इज माइनस 1। तो ये हो गया हमारा, एन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले थ्रू आउट, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 3 बाय 2 एन स्क्वायर, सॉरी 3 बाय 2 एन प्लस 7 बाय 3 एन क्यूब माइनस एंड सो ऑन माइनस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यहां पर हमारा, अब ये बच गया हमारे पास में, अब इसको n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमारा माइनस 3 बाय 2 एन प्लस 7 3 एन क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n प्लस 1 से, तो ये हो गया हमारा माइनस 3 बाय 2 प्लस 7 बाय 3 एन क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 3 बाय 2 एन, यहां पर ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 बाय 3 एन होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, टेक लिमिट एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन लॉग un डिवाइडेड बाय un प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, और ये जो है ये लेस देन 0 है, ये अगर लेस देन 0 है और हमें पता है कि इफ l लेस देन 0 देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट सीरीज un कन्वर्जेस, अगर हमारे पास में l लेस देन 0 होता है तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो हमारे पास में हमको मिल गया कि हमारी ये जो गिवन सीरीज है इज कन्वर्जेंट सीरीज इफ हमारे पास में x ग्रेटर देन e पर ये कन्वर्ज कर रहा था, देयरफॉर दिस इज कन्वर्जेस, एक सेकेंड मैं अपना पुराना वाला रिजल्ट चेक करती हूँ, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, हमने यहां पर क्या करा था, इफ ई ग्रेटर देन एक्स एंड डाइवर्जेंट सीरीज इफ ई लेस देन एक्स। तो हमारे पास में ये जो है x जो है वो पॉजिटिव टर्म ही है, यानी कि x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास में, देयरफॉर जो सीरीज है हमारे पास में सीरीज un ये कन्वर्ज करेगी इफ जीरो लेस देन x लेस देन इक्वल टू e एंड सीरीज un डाइवर्जेस इफ हमारे पास में x ग्रेटर देन e होगा, क्योंकि हमें e ग्रेटर देन x की कंडीशन हमें मिल गई थी जब हमने डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करा था, कि जब हमारे पास e ग्रेटर देन x है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी और अगर हमारे पास में e लेस देन x है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो और हमारे पास में पॉजिटिव टर्म सीरीज होने के कारण x जो है वो
जीरो से बड़ा होगा। x जो है वो हमें क्वेश्चन में ही पॉजिटिव दे रखा है, तो हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही है अगर जीरो लेस देन x लेस देन इक्वल टू e है, और सीरीज जो है वो हमारी डाइवर्ज कर रही है अगर x जो है वो ग्रेटर देन e है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर से मैंने आपको ये क्वेश्चन देखकर सॉल्व कराया है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगी उसका नाम है, ये इनफाइनाइट सीरीज का ही टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज ऑफ आर्बिटरी टर्म्स, जहां यहां पर मैं अब तक पॉजिटिव टर्म सीरीज को कंसिडर करती आई हूं, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ऐसी सीरीज कंसिडर करूंगी जहां पर टर्म्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।